अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अजीब नौटंकी लगा रखी है, पहले घर छोड़कर गई, घर वालों को नाहर को परेशान किया, फिर वापस लौट कर आई। क्यों किया तुमने ऐसा? इस घर में अपनी अहमियत जाननी थी क्या? दादी आप शांत हो जाइए, रूही घर वापस आ गई ना, ये सबसे अच्छी बात है। अब प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं होगी, प्लीज दादी। माँ जी, छोटी माँ, दादी इतना नाराज क्यों? पता नहीं बेटा, दादी को दी हुई कसम तोड़ी क्योंकि भगवान का इशारा था कि मुझे नाहर जी को दिए हुए वचन का मान रखना है, पर मैं बाद में दादी से बात करके उनके मन की गलत फहमी दूर करूंगी। जी, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी अगर पिंकू जी घर नहीं आए तो दशहरा की आरती का समय भी हो गया, क्या करें? आरती करें भी नहीं? आरती तो कर ही लेते हैं ना बेटा। पता नहीं पिंकू आएगा भी कि नहीं आएगा। पिंकू का मैसेज आया। पिंकू का मैसेज आया? सुनिए। हाँ दादू, आज मुझे दादी ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो पलक को बहू के रूप में स्वीकार कर रही थी। सच बोलूं तो दादू, मुझे दादी और पलक का भी विश्वास नहीं है। उन दोनों ने मुझे पहले भी धोखे में रखा है, अब भी धोखे में रख सकती हैं। इसीलिए दादू माफ कीजिएगा, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अभी मना कर रहा है, सामने से कह रहा आएगा ही नहीं। पिंकू से तेरी बात हुई क्या? क्या कह रहा था तेरा पिंकू भैया, आएगा कि नहीं आएगा दशहरे में? नहीं दादी। पूनम आप इतनी दुखी मत होइए। देखिए आपने और पलक बहू ने जो गलतियां की है उसके लिए आप दोनों शर्मिंदा भी हैं और उसका पछतावा भी है। एक बार प्रभु श्री राम और सीता मैया के सामने हाथ जोड़कर मन से माफी मांग लीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। जी बात बिल्कुल सही कही आप, ठीक है पापा, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं, चमत्कार ही हो जाए। हाँ आरती करते हैं। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। पिंकू के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। हे भगवान, जो पलक मुझे फूटी आंख नहीं पाती थी उसे भी झेल रही हूँ। अब तो माफ कर दीजिए, मेरे पिंकू को वापस घर ले आइए भगवान। भगवान जी आप भी जानते हैं दादी के साथ किसी का रहना भी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं रहने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज अब माफ कर दीजिए, मेरा सुहाग वापस ले आइए। हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। हम दुनिया के बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। रोहित, अगर तुम उस बच्चे की मां थी तो मैं उस बच्चे का पिता था, और ये काम ये दुख हमारा है, हम दोनों का है। रोहित तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अगर आधा दुख तुम्हारा है तो आधा दर्द मेरा भी है। इसलिए आज तुम मुझसे एक वादा करो, कोई भी दर्द कोई भी तकलीफ तुम अकेले बर्दाश्त नहीं करोगे, अपने हर दुख में हर तकलीफ में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाओगे, वरना ये हमारे रिश्ते में चीटिंग हो जाएगी। रो प्रॉमिस मी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज हर सुख में
हर दुख में हम साथ होंगे हमेशा। प्रॉमिस प्रॉमिस। एक मिनट हिलना मत, एक मिनट। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर लंबी लंबी सी घूमो। थाम लो जो हाथ दिखाओ, लाओ इधर। नाजी ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं आप? आप मेरा हाथ क्यों बांध रहे रोहित? मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्या पता तुम्हारे मन में कुछ आ जाए और आधी रात को चिट्ठी छोड़कर तुम भाग जाओ। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता रोहित। अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रोहित जल्दी करो। रोहित ना जी, आपने कितना कसकर बांध दिया, जल्दी इसके खोलिए। अरे मुझे क्या पता था इतनी कस के बन जाएगी। एक सेकंड। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ छोटी माँ, सब ठीक है। कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो सॉरी मैंने इतनी रात को तुम दोनों को परेशान किया। नहीं नहीं, मैं तो बस रूही से ये पूछने आई थी कि परसों करवा चौथ है और ये नाहर की माँ की साड़ी है, तो रूही क्या तुम ये साड़ी पहनोगी? हाँ मम्मी जी, मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी और ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वैसे भी करवा चौथ के दिन तो लाल ही पहना जाता है ना। हाँ मुझे पता था रोहित, तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। अभी साड़ी दे रही हूँ, बाद में सरगी भी दूंगी जो करवा चौथ के दिन सास अपनी बहू को देती है। छोटी माँ, सरगी उसमें क्या होता है? उसमें सास के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी होती है, जिसे बहू सुबह खाकर पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है, और उसमें श्रृंगार का सामान भी होता है। सच कहूं मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। अभी ये साड़ी लो, बाद में मैं सरगी भी दूंगी। क्या हुआ, लो। हाँ लो। रूही बेटा, करवा चौथ के लिए साड़ी है, दोनों हाथों से लो। मैं कल सरगी देती हूँ, आती हूँ मैं। हाँ जी, आप भी ना, मम्मी जी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? यही कि प्यार हो तो रोही नहार जैसा, यानी रुहार जैसा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।